तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलरी का कमाल का एक फीचर बताने वाला हूँ, जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों तो हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलरी का एक कमाल का फीचर, जो कि बहुत यूजफुल है। अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वीडियो फोटोज को एडिट करते हैं तो ये फीचर आपके लिए डेफिनेटली बहुत काम का होने वाला है। क्या ये फीचर है, कैसे इसको मिलेगा, कहाँ यूज करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी के नई फीचर्स के बारे में, जो कि मुझे बहुत ही शानदार लगा वाला फीचर, बहुत ही यूजफुल फीचर है। तो उसके लिए आपको जाना है गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई सी भी अपनी एक फोटो को एडिट में खोल लेना है। तो यहाँ पर आप जब एडिट में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको बाय डिफॉल्ट्स यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। अगर आप फिल्टर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर फिल्टर्स मिल जाते हैं। आप देख रहे होंगे इतने सारे फिल्टर्स हैं, आप जो सा भी फिल्टर लगाना चाहें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल, ये तो सबको भी पता है। अब इसमें एक नया चीज क्या किया गया है, आप अब अपनी कोई सी भी फोटो या कोई सी भी फोटो का जो फिल्टर है, आप बोल सकते हैं जो इफेक्ट है, अगर आप अपनी इस फोटो में डालना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रिएट फिल्टर में क्लिक कर लेना है। क्रिएट फिल्टर में जाने के बाद आपको अपनी कोई सी भी फोटो में चले जाना है जिसका आपको उसमें लगाना हो। लाइक मुझे ये वाली फोटो का इफेक्ट है, मेरे इसमें लगाना है, तो मैंने वो फोटो को यहाँ पर चूज कर लिया और जैसे ही मैं चूज करूंगा वो फिल्टर वहां पर ऑटोमेटिक आ गया। आप देख सकते हैं वो फिल्टर बिल्कुल ऑटोमेटिक वहां पर आ चुका है और आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे वो फिल्टर आपको साइड में मिल भी जाएगा, जिसको आप क्लिक करके यहाँ पर डिलीट भी करना चाहे तो आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट दिया, बट कुछ फोटो ऐसी होती है जिसमें फिल्टर बहुत यूनिक होते हैं, तो उन फिल्टर को भी आप उनको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लाइक अब मैं मुझे इस फोटो का यहाँ पर इफेक्ट को लेना है मेरी वाली फोटो में, तो मैंने इस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करा, ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा तो वो इफेक्ट उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं उसके रिलेटेड इफेक्ट ऑटोमेटिक आ चुका है और वो क्रिएट हो गया। आप चाहें तो उसका नाम यहाँ पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, नाम चेंज देना चाहें तो आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, और सिर्फ आपको करना क्या है, आप यहाँ पर इसको क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और ये इफेक्ट यहाँ पर सेव हो जाएगा, जिसको आप अपनी कोई दूसरी फोटो में भी एड ऑन कर सकते हैं। दोस्तों यही नया चेंजेस था, यही नया फीचर था जो कि सैमसंग गैलरी में ऐड किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उन्हें कुछ कमी है तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।